माफियाओं दबंगों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर जेल भेजा, भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त किया यूपी योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सत्ता में आने से पूर्व प्रदेश में भ्रष्टाचार, गुंडाराज, अवैध कब्जे, अराजकता का बोलबाला था, परंतु सत्ता में आने के बाद यूपी में माफियाओं दबंगों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर जेल भेजकर भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त किया। योगी आदित्यनाथ गढ़ के गाँव पदसियाना में भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र चौधरी के समर्थन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, परंतु अब सरकार ने सुरक्षा व भयमुक्त माहौल दिया तो बच्चियां बेखौफ स्कूल जाती हैं। उन्होंने कहा कि सपा बसपा ने गरीब को कुछ नहीं दिया, अब उत्तर प्रदेश में फ्री वैक्सीन, राशन व अन्य योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के 25 करोड़ की जनता को दिया जा रहा है। पहले यह पैसा सत्ता के सानिध्य में पेशेवर माफियाओं की जेब में जाता था। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल राशन मिला है। कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। सीएम ने कहा कि गौरव और सचिन की शहादत को कैसे भूल सकते हैं, वो अपनी बहन की इज्जत बचाने गए थे परंतु उन्हें घेर कर मार दिया गया। उन्होंने कहा कि पुनः सत्ता आने पर विकास कार्य होंगे और माफियाओं व दबंगों पर पुनः सख्त कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा।